अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब हम डिस्कस करते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को, तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट को जब शंट वो जो है वो डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन, सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोनेट, उसके बाद राइबुलोज फाइव फॉस्फेट, राइबोज फाइव, उससे फिर जो है राइबुलोज फाइव फॉस्फेट से जाइलोज फाइव फॉस्फेट और राइबोज फाइव फॉस्फेट बनते हैं। फिर ट्रांसकिटुलेज एक्ट करता है, सिडोअप्टोलोज सेवन फॉस्फेट और ग्लाइसोडिहाइड थ्री फॉस्फेट बनता है, एरिथ्रोज फोर फॉस्फेट प्लस जो है वो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है। फिर जो है क्या होता है कि एरिथ्रोज फोर फॉस्फेट और जाइलोज फाइव फॉस्फेट मिलते हैं, तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट और ग्लाइसोडिहाइड थ्री फॉस्फेट बनना। इसका मतलब यह है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो राइबोज से और राइबोज से आगे जो इंटर कन्वर्जेंस हो, तो हमें जो है वो दो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक ग्लाइसोडिहाइड थ्री फॉस्फेट मिलता है।